खबर आपको दें, चीफ जस्टिस याया अफरीदी कुछ देर बाद ओहदे का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी उनसे हलफ लेंगे। वजीर आजम, सर्विस चीफ्स और अरकान पार्लियामान को तकरीब हलफबरदारी में मदद किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, बताइएगा इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि जस्टिस याया अफरीदी कुछ ही देर में नए चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे और इस हवाले से तकरीब मुनाकिद की जाएगी जिसमें तमाम अहम रहनुमा इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इस हवाले से आपको बता रहे हैं कि जस्टिस याया अफरीदी अब से कुछ देर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे और सदर मुमलिकत उनसे हलफ लेंगे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। तारिक चौधरी, बताइएगा हलफबरदारी की तकरीब कब होगी और कौन कौन से जो अहम रहनुमा इसमें शिरकत करेंगे? देखिए, हलफबरदारी की तकरीब जो है 11:20 पर शुरू होगी ऐवान सदर के हुकाम के मुताबिक। इस तकरीब में जो नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याया अफरीदी, वो अपने ओहदे का हल्फ लेंगे। उनसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ जरदारी हल्फ लेंगे। आज की इस तकरीब में आउट गोइंग चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फैजल शाह खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनको दावत दी गई है। इसके अलावा तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और दीगर जजेज साहबान को भी दावत दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा सर्विसेज चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी आज की तकरीब में मौजूद होंगे। तमाम चीफ मिनिस्टर्स और जो सूबाई गवर्नर्स हैं उनको भी शिरकत की दावत दी गई है। इसके अलावा कानून पार्लियामेंट और जो सीनियर लायर्स हैं वो भी आज की इस तकरीब में शिरकत के लिए मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, इस हवाले से अपडेट किया आपने। तकरीब 11:20 बताया गया है जो कि तकरीब मुनाकिद की जाएगी, इसमें तमाम अहम रहनुमा शिरकत करेंगे और नए चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे।